हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 104। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसमें बोला है कि सेवन स्टूडेंट्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं वर बॉर्न ऑन सेवन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, फेबररी, मार्च, मे, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर, but not necessarily in the same order, okay? Each student stays on a different floor of the same hostel, okay? The lowermost floor of the hostel is numbered 1 and topmost floor of the hostel is numbered 7, alright? Each one of them ranked different in their class from 1st to 7th, but not necessarily in the same order, okay? तो इसने अभी तक हमें क्वेश्चन में क्या बताया कि टोटल आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग मंथ में बॉर्न होते हैं सेम ईयर में, ठीक है। मतलब क्या, आपके पास 7 मंथ्स होंगे, ठीक है, मंथ आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं। और उसके बाद हर एक स्टूडेंट एक अलग अलग फ्लोर पर रहता है सेम हॉस्टल में, ठीक है, जिसमें आपके पास जो लोअर मोस्ट फ्लोर है उसको नंबर 1 बोला गया है और टॉप मोस्ट फ्लोर को आपको नंबर 7 बोला गया है। मतलब क्या, आपके पास 7 क्या फ्लोर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हर एक स्टूडेंट की अलग अलग क्या है, रैंक आई है क्लास में, ठीक है, जो कि रैंक फर्स्ट से लेकर कहाँ तक है, 7 तक है। तो 7 आपके पास क्या होंगी, रैंक्स होंगी, ठीक है। इतनी आपके पास क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अब इन्हीं सब पर बेस उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दी हैं, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फ्लोरिंग कर लेता हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ऑलराइट, यहाँ पर कंडीशंस लिखते हैं। अब उसने हमें कंडीशन क्या बताई है, उसने बोला है कि मोर देन टू स्टूडेंट्स लिव बिटवीन द वन हु सिक्योर्ड द थर्ड रैंक फ्रॉम द लास्ट एंड थर्ड रैंक फ्रॉम द टॉप। अच्छा, अगर मैं रैंक्स की बात करूँ तो देखिए आपके पास क्या 7 रैंक्स है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि कौन सी रैंक आपके पास टॉप पर है, कौन सी रैंक लास्ट पर है। आप हमेशा जब भी आपके पास ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन ना हो ना, आप एक बेसिक जनरल नॉलेज से सोचा करिए, फर्स्ट रैंक आपकी क्या होगी, टॉप होगी, सेवन्थ रैंक आपकी क्या होगी, लास्ट होगी। तो इस चीज़ को कंसिडर करके चलिएगा। अगर लास्ट थर्ड की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, 1, 2, 3 फिफ्थ की बात कर रहा होगा, और टॉप से थर्ड की बात कर रहा हूँगा तो वो बात किसकी कर रहा होगा, थर्ड की कर रहा होगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि 2 से ज़्यादा लोग हैं इन दोनों के बीच में जो कि बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। तो थर्ड फ्लोर थर्ड रैंक और फिफ्थ रैंक के बीच में कितने होंगे, 2 से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। उसके बाद द वन हु सिक्योर्ड फोर्थ रैंक लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु सिक्योर्ड फिफ्थ रैंक इन द क्लास, ओके। उसने बोला कि वो पर्सन जिसकी रैंक कितनी आई है, फोर्थ आई है, वो कहाँ पर है, वो इमीडिएटली बिलो है किससे, जिसकी रैंक फिफ्थ आई है, ठीक है। उसके बाद बी इज ओल्डर देन जी, ओके, बी क्या है, वो ओल्डर है किससे, जी से। अब देखिए अगर यहाँ पर बात करूँ ओल्डर में कंसिडर हो रहा है तो यहाँ पर किसकी बात हो रही होगी, मंथ्स की बात हो रही होगी, तो मंथ भी एक काम करते हैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। आपके पास अगर लिखने जाऊँ यहाँ पर लिख लेते हैं जनवरी, फेब, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, उसने कहा कि बी क्या है, वो ओल्डर है किससे, डी से, मतलब इसके कंसिडर करूँगा मैं, तो आपके पास बी क्या होगा, पहले होगा किससे, जी से, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट हु सिक्योर्ड द लास्ट रैंक डू नॉट स्टेज ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो फिफ्थ फ्लोर, ओके। उसने बोला कि वो स्टूडेंट जिसकी क्या है रैंक लास्ट है, मतलब क्या सेवन्थ रैंक है, वो कहाँ नहीं रहता, वो फिफ्थ फ्लोर के नीचे नहीं रहता, इसका मतलब वो कहाँ पर रहेगा, ऑब्वियसली इन तीनों फ्लोर पर रहेगा, कौन, सेवन्थ वाला, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि नो वन वॉज यंगर देन द पर्सन हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ओके। उसने बोला कि कोई भी यंगर नहीं है किस पर्सन से, जो टॉप मोस्ट फ्लोर पर रहता है। अब देखिए अगर वो यंगर नहीं है उससे, इसका मतलब वो कब बॉर्न हुआ होगा, टॉप फ्लोर वाला, ऑब्वियसली दिसंबर में बॉर्न हुआ होगा, क्योंकि इससे यंगर यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्या
सेवेंथ फ्लोर पर जो है वो दिसंबर में बॉर्न हुआ है, ठीक है। उसके बाद बी वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर ई, ओके, बी कब बॉर्न हुआ है, इमिडिएटली बिफोर ई, बी इमिडिएटली बिफोर ई, ठीक है। तो ये इसी ऑर्डर में आएगा, ठीक है। उसके बाद द वन हु लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर वॉज बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर सी, ओके। उसने कहा कि वो पर्सन जो कि थर्ड फ्लोर पर रहता है वो इमिडिएटली आफ्टर सी बॉर्न हुआ है, ओके, सी के इमिडिएटली आफ्टर कौन हुआ है, जो थर्ड फ्लोर पर रहता है, ठीक है। ये दोनों भी इसी ऑर्डर में आएंगे। उसके बाद मोर देन फोर स्टूडेंट्स लिव्स बिटवीन द स्टूडेंट हु सिक्योर्ड द लास्ट रैंक एंड द स्टूडेंट हु सिक्योर्ड द सेकेंड लास्ट रैंक, ओके। उसने बोला कि चार से ज़्यादा लोग रहते हैं किसके बीच में, उस स्टूडेंट के बीच में जिसकी रैंक कितनी है, लास्ट है, मतलब के सेवन्थ, और उस स्टूडेंट के बीच में जिसकी रैंक कितनी है, सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट मतलब सिक्स। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास चार से ज़्यादा लोग रहते हैं, इसका मतलब क्या, पाँच लोग रहेंगे इनके बीच में, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम किसी दो पर्सन के बीच में कितने हो सकते हैं, पाँच ही तो हो सकते हैं ना। और अगर यहाँ पर पाँच होंगे तो आपके पास ऑब्वियसली हम सेवन्थ को कहाँ पर पुट कर पाएंगे, ना ही हम सेवन्थ को फिफ्थ पर पुट कर पाएंगे, ना ही सिक्स पर पुट कर पाएंगे, हम कहाँ पर पुट कर पाएंगे, सेवन्थ पर ही तो पुट कर पाएंगे ना, ठीक है। तो आपके पास जो सेवन्थ पर होगा उसकी रैंक कितनी है, उसकी रैंक है सेवन्थ, ठीक है। और जो आपके पास फर्स्ट फ्लोर पर होगा उसकी रैंक कितनी है, उसकी रैंक है सिक्स, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई, ओके। उसके बाद उसने बोला कि द वन हु लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर फ्रॉम द टॉप वॉज नीदर बॉर्न इन द मंथ इमिडिएटली बिफोर द मंथ इन जी वॉज बॉर्न नॉर इन द मंथ इमिडिएटली आफ्टर द मंथ इन विच जी वॉज बॉर्न, ओके। उसने बोला कि आपके पास वो फ्लोर जो कि सेकेंड है फ्रॉम द टॉप, मतलब क्या, सिक्स फ्लोर की वो बात कर रहा है कि सिक्स फ्लोर आपके पास, ठीक है, वो ना ही जी से जस्ट पहले है और ना ही जी के जस्ट बाद में है मंथ में, ठीक है। उसके बाद ई डज नॉट लिव ऑन फिफ्थ फ्लोर, ओके, ई फिफ्थ फ्लोर पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद एफ इज नॉट द यंगेस्ट एंड डज नॉट लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, ओके। एफ जो है आपके पास वो यंगेस्ट नहीं है, अगर वो यंगेस्ट नहीं है इसका मतलब वो दिसंबर में बॉर्न नहीं होगा, ठीक है। तो एफ आपके पास यहाँ पर नहीं होगा और ना ही वो किस पर है, थर्ड फ्लोर पर, मतलब वो यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद डी इज यंगर देन ए, डी क्या है, डी यंगर है किससे, ए से, ओके, डी यंगर है किससे, ए से, फाइन। उसके बाद बी इज नॉट द यंगेस्ट, बी आपके पास यंगेस्ट नहीं है, बी यंगेस्ट नहीं है, यहाँ पर एफ भी नहीं आएगा, ओके। उसके बाद ए डज नॉट सिक्योर सेकेंड रैंक, ओके, ए की सेकेंड रैंक नहीं है, ए यहाँ पर नहीं आएगा, फाइन। उसके बाद जी लिव्स ऑन द सिक्स्थ फ्लोर फ्रॉम द टॉप एंड वॉज बॉर्न इन मार्च, ओके, जी कहाँ पर रहता है, सिक्स्थ फ्लोर फ्रॉम द टॉप, मतलब क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये कब बॉर्न हुआ है, ये मार्च में बॉर्न हुआ है, फाइन। उसके बाद द वन हु स्टेज ऑन द फर्स्ट फ्लोर इज द सेकेंड यंगेस्ट, ओके, और वो पर्सन जो कि फर्स्ट फ्लोर पर रहता है वो क्या, सेकेंड यंगेस्ट है। अगर सेकेंड यंगेस्ट होगा इसका मतलब ऑब्वियसली कब बॉर्न हुआ होगा, वो अक्टूबर में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहता हूँ, देखिए आपके पास मार्च में कौन है, जी है आपके पास मार्च में, फाइन। अब देखिए यहाँ से अगर मैं जी को मार्च में रखता हूँ तो उसने हमें क्या बताया था कि जी से पहले क्या आपके पास बी है और बी का है, बी जस्ट पहले किससे, ई से, इसका ऑब्वियसली आप बी को यहीं पर पुट करेंगे, अगर बी यहाँ पर आएगा तो ई ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर आएगा, इतना आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए अगर मैं दिसंबर की बात करता हूँ तो दिसंबर में कौन हो सकता है, ठीक है, अगर हम यंगेस्ट पर्सन की बात करते हैं तो वो कौन हो सकते हैं, देखिए उसने मना करा हुआ है कि वो बी नहीं है, ठीक है, एफ नहीं है, ई भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, जी भी नहीं होगा यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम बात करें, क्या आपके पास ए हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज ए के बाद एटलीस्ट डी तो है ही ना आपके पास, इजंट इट, तो आपके पास ए भी यहाँ पर नहीं हो सकता, ऑलराइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपके पास क्या सी हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता, बिकॉज सी के बाद भी आपके पास कौन है, जो थर्ड फ्लोर पर रहता है, इजंट इट, तो आपके सी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कौन हो सकता है, देखिए नहीं, ए बी सी डी के होने के चांसेस है, उसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता यहाँ पर, क्या देखिए बाकी के छः यहाँ पर नहीं हो सकते थे, इसका ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर कौन होगा, डी होगा, तो यहाँ पर कौन होगा आपके पास, डी होगा, ये भी आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या रह गया, उसकी हम पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, देखिए, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या आ सकता है, देखिए आपके पास कौन रह गया,
आपके पास अभी ए रह गया है, बी हो चुका है, सी रह गया है, ठीक है, डी हो चुका है, ई एफ रह गया, आपके पास ये तीन रह गए ना, ठीक है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो देखिए, उसने देखिए यहाँ पर हमसे क्या होता कि सी के जस्ट बाद वाला कौन है, जो कि थर्ड फ्लोर पर है, ठीक है। अभी थर्ड फ्लोर वाला कौन हो सकता है, अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों में से कोई होगा, ए या फिर एफ में से। लेकिन उसने हमसे मना करा हुआ क्या कि थर्ड फ्लोर पर आपके पास एफ नहीं है, इसका ऑब्वियसली यहाँ पर कौन होगा, ए होगा। इतना तो आपको क्या हो गया, कन्फर्म हो गया, फाइन। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास यहाँ पर क्या हो, सी हो, फाइन, और यहाँ पर क्या हो, आपके पास ए हो, और यहाँ पर आपके पास एफ हो, एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पर आपके पास क्या हो, सी हो, यहाँ पर ए हो, और फिर यहाँ पर क्या हो, आपके पास एफ हो। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम एक चीज़ जानते हैं ना, अक्टूबर में आपके पास ए तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली आपके पास जो सी होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ए होगा यहाँ पर, और जो बचा हुआ है एफ, एफ होगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं पुट करना चाहूँ तो आपके पास एफ कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, उसने क्या बोला कि वो पर्सन जिसकी रैंक है थर्ड है और वो पर्सन जिसकी रैंक है फिफ्थ है, उनके बीच में दो से ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब क्या, तीन लोग रहेंगे। और अगर मैं यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ तीन लोगों को, तो देखिए आपके पास यहाँ पर और यहीं पर तो आ सकता है ना ये दोनों, फाइन। और उसने कहा था कि फिफ्थ के जस्ट बाद क्या आपके पास फोर्थ रैंक है, इसका मतलब ऑब्वियसली आपके पास फिफ्थ रैंक आएगी यहाँ पर, ठीक है, और थर्ड रैंक आएगी आपके पास यहाँ पर, और जो बची है फोर्थ रैंक वो आपके पास यहाँ पर आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, आपके पास रैंक कौन कौन सी रहेगी, आपके पास रैंक रहेगी फर्स्ट एंड देन सेकेंड रैंक रहेगी, ठीक है। उससे हमसे कहा कि सेकेंड रैंक किसकी नहीं है, ए की नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियसली इसकी रैंक क्या होगी, फर्स्ट होगी, और फिर इसकी रैंक क्या होगी, सेकेंड होगी। ये तो आपके पास क्या फिक्स हो गए, रैंक्स इनकी फिक्स हो गई। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पुट कराने की, तो देखिए अब अगर मैं इस वाली कंडीशन का यूज़ करूँ, उसने कहा था कि वो पर्सन जो कि सिक्स फ्लोर पर रहता है वो ना ही जी से पहले बॉर्न हुआ है ना ही जी के बाद बॉर्न हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए आपके पास कौन, जी यहाँ पर है, तो इसका मतलब आपके सिक्स फ्लोर पर ना ही ई होगा ना ही सी होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपके ई नहीं हो सकता, यहाँ पर आपके सी नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर मैं ई की बात करता हूँ, देखिए ई आपके पास कहाँ हो सकता है, ई आपके पास सिर्फ यहीं पर तो आ सकता है ना, और तो कहीं आएगा नहीं। और अगर मैं सी की बात करता हूँ, सी आपके पास सिर्फ यहीं पर आएगा, और फिर आपके पास बचा क्या, देखिए ए बी बचा हुआ है, बी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, बस। अब आपके पास फिक्स हो गया, देखिए अगर हम बी की बात करें, बी आपके पास क्या है, जनवरी है, ठीक है। सी आपके पास क्या है, मई है। ई आपके पास क्या है, फेब है। और ए आपके पास क्या है, जुलाई है, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगी, इसकी फाइनल पजल बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा जिस तरीके से हमने इसको अप्रोच करा, ठीक है। थैंक यू सो मच।